मिसकैरेज यानी बच्चा खराब होना, ये अपने में एक नाइटमेयर है पेशेंट्स के लिए, मींस एक बुरा सपना आप जिसको बोलो। कोई भी महिला ये नहीं चाहती है कि वो मिसकैरेज में लैंड करे, लेकिन मिसकैरेज होता ही है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज मींस बच्चा ठहरने के 12 वीक्स के अंदर मिसकैरेज, वो बहुत ही कॉमन है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो मिसकैरेज होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज होता है। वैसे तो मिसकैरेज के आप जिसको बोलो जो बच्चा नहीं मिलता है, वो तो सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर उसमें भी हो सकता है, पर अभी हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज की बात कर रहे हैं। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, IVF कराया, उनका मिसकैरेज भी होता है, और जो जनरली खुद से भी कंसीव होते हैं उनका भी मिसकैरेज होता है। तो वंस आपका जब कंसेप्शन हो गया, अगर आपने IVF द्वारा करवाया हो या नेचुरली करवाया हो, उसकी मैनेजमेंट सेम होती है, बिकॉज कंसेप्शन तो आ गया, उसके बाद आपको बच्चा नहीं मिला, बच्चा बीच में ही खराब हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज की, उसमें भी कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट पोर्शन ये होता है कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई, आपने अपना UPT प्रेगनेंसी टेस्ट किया, जो कार्ड टेस्ट होता है वो किया, एंड वो पॉजिटिव है, उसमें डबल लाइन आपको दिख रही है। लेकिन जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव किया, आप लगभग 4 वीक्स पे वो पॉजिटिव हो जाती है, तो 5th वीक पे आपका एक स्कैन होता है जिसमें बच्चे का सैक, मींस जो बच्चे जहाँ पे रहता है वो दिखना चाहिए यूट्रस के अंदर, तो वो सैक ही नहीं दिखता है। या सैक दिखता है, उस सैक के अंदर कोई भी फीटल पोल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, जिसको हम ब्लाइटेड ओवम बोलते हैं, ऐसा भी होता है। तो इस केस में जब आपको या तो सैक नहीं दिख रहा है या ब्लाइटेड ओवम है, तो उसको हम केमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं, बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, बिकॉज आपके बॉडी ने सिर्फ आपका जो बायोकेमिकल प्रेगनेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो HCG लेवल होते हैं जो प्रेगनेंसी डिटरमाइन करते हैं, वो सिर्फ बढ़ा बॉडी में, लेकिन आगे बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, मींस आपकी जो लाइनिंग थी उसके अंदर कोई भी सैक नहीं था। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये कैटेगरी हो गया। सेकेंड कैटेगरी ये हुआ कि सैक तो बन गया 5 वीक्स पे, अच्छा योग सैक दिख रहा है, फीटल पोल दिख रहा है, बहुत हैप्पी हो अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख करके। और जब 6th वीक में आप दोबारा गए स्कैन कराने के लिए, जब बच्चे की धड़कन आनी चाहिए, बिकॉज 6 वीक्स में जब ट्रांसवेजाइनल मींस नीचे से स्कैन होता है, तभी हमें उसमें बच्चे की धड़कन दिखती है। 6 वीक्स के स्कैन में जब आप गए करवाने, तो आपको बच्चे की धड़कन ही नहीं मिले, आप तो बिल्कुल शॉक्ड हो गए। तो ये सेकेंड तरह की चीज़ होती है जिसमें कार्डियक एक्टिविटी नहीं आती, हम बोलते हैं बाकी सब तो ग्रोथ हो गई, कार्डियक एक्टिविटी नहीं आई। अब थर्ड ये है कि 6 वीक के स्कैन में कार्डियक एक्टिविटी आ गई, लेकिन ये प्रेगनेंसी 6 वीक से लेकर 12 वीक्स के बीच में कहीं भी मिस हो गई, मींस या तो ब्लीडिंग खुद से शुरू हो गई, उसको हम थ्रेटेंड अबॉर्शन बोलते हैं, अंदर धड़कन पड़ी हुई है लेकिन ब्लीडिंग हो रही है। सेकेंड चीज़ यह है कि ब्लीडिंग स्पॉटिंग हुई, जब आप गए डॉक्टर के पास तो धड़कन जा चुकी है, वो मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। मिस्ड अबॉर्शन भी बहुत कॉमन है और पेशेंट इससे बहुत परेशान हो जाते हैं कि पिछली बार तो सैक में ग्रोथ थी और अब तो ग्रोथ ही नहीं है। एक तरह से क्या होता है, आपका जो बच्चा है वो अंदर ग्रो ही नहीं किया, वो अरेस्ट हो गया। तो अब इसकी कॉजेस पे हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कुछ बच्चे क्यों अरेस्ट होते हैं, बाकी सब क्यों ग्रो कर जाते हैं। ये पेशेंट्स के भी मन में ये हमेशा सवाल रहता है। ये जो टॉपिक है, इस पर आप जो बोलो काम या रिसर्च वर्क बहुत कम हुआ है, बिकॉज ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बॉडी में आपकी ऐसी हैं जो कि अभी तक रिसर्चर्स या डॉक्टर्स भी उसको क्रैक नहीं कर पाए हैं, पर जितनी नॉलेज हमारे पास अभी ज्ञात है और जिस तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं उसके बारे में हम आपको बता सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अब हम इस चीज़ पे आते हैं आपको समझाने के लिए कि ये जो बच्चा ये बना कैसे, ये बच्चा बना मींस जो एम्ब्रियो था आपके अंदर, जो बेबी था, वो आपके एग और आपके स्पर्म से बना था एंड आपका यूट्रस यूज़ कर रहा था। तो 3 चीज़ें यूज़ हो रही थी, यूट्रस में न्यूट्रिशन जा रहा था। तो अब सबसे फोर एंड फॉरमोस्ट हम पेशेंट का जो बेबी एबॉर्ट होता है उसको हम टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि वो बेबी नॉर्मल था कि नहीं, बिकॉज ऐसा कुदरत का बना हुआ है, ऐसा नेचर ने बना रखा है, गॉड ने बना रखा है कि वो कोशिश करते हैं कि जो चीज़ एनॉमलस है, मींस जो बच्चे खराब बन रहे हैं, उसको बॉडी आप से आप डिलीट कर दें, डिलीट कर दें मींस उसको एबॉर्ट करके बाहर फेंक दें। तो यूजुअली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस होते हैं, अगर आप सोचो कि 100 प्रेगनेंसी हुई और 100 एबॉर्शंस हुए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो उसमें से आप सोचो कि 60-70% एनॉमलस बेबीज से जिसको भगवान ने खुद से अबॉर्ट कर दिया, तो उनका जब आप कैरियोटाइप करोगे तो बेबी में प्रॉब्लम आ गई। अब बचे आपके वो 40-30% पेशेंट्स जिनमें कि कैरियोटाइप नॉर्मल है। अब वो पूछेंगे कि बच्चा तो नॉर्मल था फिर क्यों अबॉर्ट किए। उन पेशेंट्स के केस में या तो यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम होती, कभी कभी यूट्रस के अंदर ही यूट्रस या तो छोटा होता है, यूट्रस के अंदर का वॉल्यूम कम होता है इसलिए वो बेबी नहीं ग्रो करता है, या फिर यूट्रस के अंदर किसी तरह की कोई ग्रोथ होती है उसकी वजह से वो बेबी ग्रो नहीं करता है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि जो यूट्रस को ब्लड सप्लाई मिल रही है, जो नरिशमेंट मिल रही है, जैसे आपने एक बीज डाला गमला में, आपको उसको नरिश करने के लिए आपने उसमें पानी नहीं, आप उसमें कुछ और चीज़ रोज डाल रहे हो, तो सेम चीज़ है, यूट्रस के अंदर जो नरिशमेंट जा रही है एक फीमेल के ब्लड से, उस ब्लड में ऐसे तत्व जा रहे हैं जो उस बच्चे को ग्रो नहीं करने देते हैं। तो उसके ब्लड टेस्ट भी हम करके पेशेंट को स्क्रीन करते हैं।
फोर्थली कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको ऐसे मेडिकल डिसऑर्डर, ऐसे तो वो नॉर्मल रहती हैं, पर जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके जो मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे उनका शुगर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, तो उनके केस में भी बच्चे को फिर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है और बच्चा अंदर ही अरेस्ट हो जाता है। तो उस केस में भी हम पेशेंट्स को फिर मेडिकली क्योर करते हैं और वो फिर आगे चल करके नॉर्मल प्रेगनेंसी अचीव करती हैं। उसके बाद हम बातें करते हैं और पीछे के लेवल की, मीन्स और पहले जब बच्चा फॉर्म हुआ, अभी तो हम पीछे जा रहे हैं, तो और पहले बच्चा कैसे फॉर्म हुआ, तो एग की बात आती है। तो किसी किसी एग में क्वालिटी वो इतनी वीक होती है वो एग, कि वो बच्चा तो बना लेती है लेकिन वो आगे उसको कैरी नहीं कर पाती, उसमें ग्रोथ नहीं हो पाता है। जैसे कुछ बच्चे आप देखोगे इतने कमजोर होते हैं कि वो आगे पढ़ नहीं पाते हैं, जरूरी थोड़े कि हर बच्चा जो है वो आगे ही पढ़े, वो फर्स्ट ही आए क्लास में। कुछ बच्चे तो फेल भी करते हैं, कुछ बच्चे जस्ट पास करते हैं। तो उस तरह से कुछ अंडे भी ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं, वो भी डायग्नोज हो जाता है पेशेंट के टेस्ट करके। कुछ पेशेंट्स के फिर स्पर्म में प्रॉब्लम होती है, स्पर्म भी टेस्ट करते हैं, जो शुक्राणु होते हैं उनके भी डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं, ब्रेक करते हैं, उसकी वजह से रिकरेंट मिसकैरेज होते हैं। तो ये आपके कुछ मतलब एक मिसकैरेज एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हमें एज डॉक्टर्स हमें उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, और हमें पेशेंट को ज़रूर उसके लिए टेस्ट करके देखना चाहिए, सो दैट पेशेंट को कि सेकेंड मिसकैरेज नहीं हो। बिकॉज एक पेशेंट जिसको रिकरेंट मिसकैरेज होते हैं, वो फीमेल का बिल्कुल माइंड सेट वो बिल्कुल घबरा सी जाती है, जब उसकी प्रेगनेंसी आती है उसको ऐसा लगता है कि अब क्या हो गया, फिर से मिसकैरेज होने वाला है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पेशेंट के सारे टेस्ट होने बहुत ज़रूरी हैं। एंड एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है इम्यूनोलॉजिकल कॉजेस, मींस कि पेशेंट का जो बॉडी है खुद से अपने अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाता है, एंड जो बेबी होता है उसको एज अ थर्ड पार्टी ट्रीट करके उसका भी मिसकैरेज करता है। तो ये सब चीज़ें क्योरेबल हैं एंड पेशेंट को हमें बताना चाहिए इसके लिए। अगर उनको हम समझाएंगे और उनको हम इसके बारे में बताएंगे, वो जागरूक होंगे तो वो उसका ट्रीटमेंट लेंगे एंड उसके बाद ही वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। एक अबॉर्शन और हो सकता है जिसको हम बोलते हैं मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद होता है। उसमें क्या होता है, बच्चेदानी की मुंह नीचे आप से आप खुल जाती है और बच्चा खुद से नीचे डिलीवर हो जाता है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता, पेन भी नहीं होता है। वो यूजुअली सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की वजह से होता है। जिन पेशेंट्स ने पहले बार बार डीएनसी कराई हो या उनकी बच्चेदानी वीक हो, उनका ऑस का मुंह नीचे के बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और बच्चा खुद से ही डिलीवर हो जाता है, उन तरह के पेशेंट्स में हम नीचे सर्विक्स के ऊपर मुंह पे टांका लगाते हैं एंड बच्चे को अंदर कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खींच सके। तो ये कुछ प्रकार थे अबॉर्शन के, जिसको कि आप एक डॉक्टर की हेल्प और सलाह लेकर के चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, और नहीं तो एटलीस्ट आपकी डायग्नोसिस बन सकती है कि अबॉर्शन क्यों हो रहे हैं, जिससे कि आप उसको